थोड़ी देर में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम होगा शुरू। वजूखाने को छोड़कर बाकी हिस्सों की जांच करेगी एएसआई। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को दी थी मंजूरी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मस्जिद पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की है मांग। ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष पर प्रतीकों को नष्ट करने का लगाया। हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राकेश सिंह भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का किया समर्थन। बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश न देने की मांग की। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा सर्वे के बाद ज्ञानवापी का सच आएगा सामने। सर्वे के फैसले पर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान। कहा बाबरी मस्जिद की तरह साक्ष्यों के आधार पर आए फैसले का स्वागत करेंगे दोनों पक्ष। ज्ञानवापी मामले में एक नया मोड़। बौद्ध धर्मगुरु सुमित रतन भंते के मुताबिक ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह बौद्ध धर्म के। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले पर जाहिर की खुशी। कहा एक शिवभक्त के नाते में हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप हिंदू मुस्लिम करके उठाना चाहते हैं फायदा। कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट से ही दिया जाएगा। इत्याद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। बोले फव्वारे को शिवलिंग बताना ज्ञानवापी पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी के डीएम बोले ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान एएसआई को पूरी तरह से प्रशासन करेगा सहयोग। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में भड़की हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय का फैसला। आज जुमे की नमाज घरों में अदा करने को कहा। गुरुग्राम में खुले में नहीं होगी नमाज। गुरुग्राम में जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मुफ्ती सलीम कासमी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भाईचारा बनाए रखने के लिए मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। हरियाणा के नूह में तनाव के बीच काबू में हालात। 5 जिलों में अब तक 93 एफआईआर दर्ज। 176 लोग गिरफ्तार किए गए। 78 लोगों को हिरासत में लिया गया। नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार का दावा। अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले घटना प्री प्लान्ड थी और एक साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। कहा नूह इलाके से नहीं हो रहा पलायन। नूह से प्रवासी मजदूरों ने शुरू किया पलायन। परिवार के साथ पैदल अपने गांव की ओर निकले मजदूर। गुरुग्राम हिंसा के बाद दहशत में लोग। सेक्टर 70 के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों का पलायन शुरू। डर की वजह से अपने गांव जाने के लिए लोग हुए मजबूर। नो हिंसा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें अशोक बाबा नाम का शख्स शिव मंदिर परिसर से फायरिंग करता दिखाई दिया। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। नो में हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले अशोक बाबा ने एबीपी न्यूज से कहा कि हमलावर की गोलियों से लोगों की जान बचाने के लिए लाइसेंसी राइफल से फायरिंग। मोनू मानेसर पर पूछे गए सवाल का भी अशोक बाबा ने दिया जवाब। कहा वो मोनू को लंबे समय से जानता है। दोनों गौरक्षक हैं लेकिन उसे मोनू मानेसर ने नूह नहीं भेजा था। नूह में हिंसा की नफरती साजिश का एक्सक्लूसिव सबूत आया सामने। नल हरीश्वर मंदिर के पास जान बचाती दिखी पुलिस। एक दूसरे वीडियो में हुई हिंसा के दौरान पहाड़ों से फायरिंग होती दिखी। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव का बयान। कहा कंट्रोल में है हालात। धारा 144 अभी भी लागू। 5 अगस्त रात के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मनोहर लाल खट्टर पर हमला। कहा हरियाणा के सीएम अजीब बयान दे रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। गौरक्षक बिट्टू बजरंगी का बयान। कहा विधायक मामन खान और नूह के विधायक आफ्ताब अहमद के भड़काऊ भाषण की वजह से भड़की हिंसा। बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। मामन खान के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। ट्वीट करके लिखा मेवात में हुई हिंसा को कांग्रेस विधायकों के इशारे पर उनके समर्थकों ने अंजाम दिया। हरियाणा हिंसा पर कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार पर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं।
कांग्रेस विधायक मामन खान के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, मामन खान ने काफी पहले विधानसभा में बयान दिया था जबकि दंगा अब हुआ है, ये बीजेपी का ध्रुवीकरण की रणनीति है। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर को लेकर हंगामे के आसार, सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा विपक्ष, हालांकि सरकार और विपक्ष में सहमति बनाने के प्रयास तेज। तो राज्यसभा में मणिपुर मामले पर डिबेट के लिए केंद्र सरकार तैयार, संसद सत्र के आखिरी दिन यानी कि 11 अगस्त को हो सकती है चर्चा। संसद में आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव वक्फ बोर्ड को निरस्त करने का बिल करेंगे पेश, मनमाने तरीके से जमीन पर अपना कब्जा जताने का दावा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी शाम 6:30 बजे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सहारा के करोड़ों निवेशकों का इंतजार हुआ खत्म, आज गृह मंत्री अमित शाह रिफंड पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को ट्रांसफर करेंगे पैसा। लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सेवा बिल, एलजी और केजरीवाल सरकार में ठनी, दिल्ली सरकार और एलजी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, मेयर समिट को लेकर तनातनी। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में प्रोफेसर गिरफ्तार, क्लास में देवताओं पर कमेंट करने पर मचा था बवाल, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बातचीत वाले ऑफर पर भारतीय विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, कहा आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे पाक, तभी सामान्य रिश्ते संभव। तमिलनाडु में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है बालाजी। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करेंगे ऑर्गन डोनेट, विश्व अंगदान दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान शपथ। महाराष्ट्र की सियासत की दिखी नई तस्वीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठे डिप्टी सीएम अजित पवार, शिंदे का नाम हटाकर लगवाया अपना नाम। रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई का सीमा हैदर पर चुनाव लड़ाने का प्लान, पार्टी प्रवक्ता ने कहा निर्दोष साबित होना और नागरिकता मिलने पर चुनाव लड़वा सकती है पार्टी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए भर्ती, रमन सिंह ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के जवान से भिड़े लोग, हालात बिगड़ने के पीछे हटे जवान, मौके से उठता दिखा हुए अफवाह। मणिपुर हिंसा पर राज्य सरकार के मंत्री बसंत सिंह बोले, हमने देखा है कई लोग म्यांमार से यहां आए हैं और आकर बस गए हैं, उनकी पहचान करेंगे और वापस भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से आने वाले एनडीए सांसदों के साथ बैठक की, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कहा। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह बोले, कांग्रेस ने पिछली बार सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया था और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली ईवीएम हैक करने की अभी से हो रही है कोशिश, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में इस पर होगी चर्चा। तमिलनाडु से आने वाले कांग्रेस नेताओं के साथ आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर होगी चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह का आज दो दिवसीय ओडिशा दौरा, कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता सेना के जवान को पुलिस ने ढूंढा, मेडिकल चेकअप के बाद होगी पूछताछ, पिछले 6 दिनों से लापता था लद्दाख में तैनात जवान जावेद वानी। नोएडा के पारस टियरा सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट गिरने से अफरा तफरी, तार टूटने से हुआ हादसा, एक बुजुर्ग महिला की मौत। गुरुग्राम में रेलवे क्रॉसिंग के पास ढहा निर्माणाधीन अंडरपास, स्लैब डालने के दौरान हुआ हादसा, मलबे में दबे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, एक की मौत 10 घायल। पंजाब के लुधियाना में आग का तांडव, साइकिल बाजार में अचानक से लगी भीषण आग, जलकर राख हुआ लाखों का सामान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में डूबने से सेना के जवान सहित 2 लोगों की मौत, अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, हाथ धोने के दौरान दोनों नदी में गिरे। काशी विश्वनाथ धाम में हुआ मोबाइल फोन ले जाना बैन, 4 से 7 अगस्त तक लगा रोक,
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के चलते सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर किया गया था अतिक्रमण, एक दर्जन से ज्यादा दुकानें जमींदोज, प्रशासन ने कराया ध्वस्त। मुंबई के चेंबूर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, एक कॉलेज प्रशासन ने बैन किया था बुर्का और हिजाब में एंट्री, मुस्लिम छात्राओं के भारी विरोध के बाद फैसला वापस लिया।